माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सुन पड़ने में अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र 65 उत्तर प्रदेश, मुख्यतः वहां के किसान गन्ने की खेती पर आश्रित हैं। पूर्व में मैंने सदन में एक मुद्दा उठाया था कि बढ़ता पैदावार और घटते हुए चीनी मिल गन्ना किसानों के आज घोर संकट में है, लेकिन गन्ना किसानों के लिए चीनी मिलों के अलावा जो उनके खेती के लिए मुख्य स्रोत होता है सिंचाई की व्यवस्था में उनको मुख्य पश्चिमी गंडक नहर की सुविधा मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सिंचाई की स्रोत जो गन्ना किसानों को मिला है मुख्य पश्चिमी गंडक नहर, दोनों बैंक जगह जगह से टूटने के चलते और उनसे निकले हुए रजवाहा और माइनर हेड से टेल तक, कितने ऐसे रजवाहा माइनर हैं जिनमें हेड से टेल तक पानी नहीं पहुंचते। इनके अलावा गन्ना किसानों को टिकट गन्ना पर्ची की समस्या भी आती है, क्योंकि निरंकुश अधिकारी और कर्मचारियों की व्यवस्था के चलते गन्ना किसान पर्ची का संकट भी उनके सामने है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने इसी कारण से टिकट आवंटन का जिम्मा मिल वालों के, जब तक था गन्ना माफिया द्वारा गन्ना किसानों का शोषण करने का क्रम चलते रहा, उस क्रम को बंद करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज ने कमाल संभालने के साथ गन्ना किसानों की सुविधा के लिए गन्ना टिकट आवंटन का जिम्मा मिल से हटाकर सोसाइटी के जिम्मे कर दिया। इससे गन्ना माफियाओं का जो आर्थिक शोषण किसानों का चलता था वो पूर्ण विराम लग गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि गन्ना मूल भुगतान समय से चल रहा है। कुछ गन्ना किसान हमारे कुशीनगर जनपद में विशेष संकट में है। मिल जो आज बंद मिले हैं उनमें लक्ष्मीगंज और चितौनी मिल पर कोई मुकदमा नहीं है, इसको पुनः चालू करने का और एथेनॉल फैक्ट्री एक कुशीनगर जनपद में देने का आप कृपा करें। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।